Myself, Dr. Anil Kumar Varshney, Associate Professor, Department of Statistics. I'm going to discuss about population with and sampling. A group of individual study is known as population. There is four different population, that is finite population, and in finite population, hypothetical population, and real population. जैसा कि नाम finite population, फाइनाइट पॉपुलेशन एक निश्चित संख्या होगी, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन. फाइनाइट पॉपुलेशन मींस वी कैन काउंट, जैसे हम कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स की संख्या ले लें तो टोटल पॉपुलेशन वी कैन काउंट. अनदर इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन. इनफाइनाइट पॉपुलेशन कैन नॉट बी काउंटेड, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टार एंड पार्टिकल इन ए सीमेंट बैग, हेयर इन द ह्यूमन बॉडी, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज इनफाइनाइट पॉपुलेशन. अनदर इज हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन. हाइपोथेटिकल इट इज प्रोबेबिलिस्टिक, वी कैन एज्यूम. इफ वी आर गोइंग टू इंटरेस्ट टॉस अ कॉइन 10,000 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी इज हाफ, तो इट मीन्स 5,000 टाइम्स हेड एंड 5,000 टाइम्स टेल. तो इट इज वी स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स जनरली. एंड रियल पॉपुलेशन, रियल पॉपुलेशन क्या है? एक निश्चित नंबर है, जैसे हम यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज की संख्या एक दिन की, एक डेट की, एक निश्चित डेट में हम काउंट करें, दैट इज रियल पॉपुलेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैंपल. सैंपल क्या है? स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन थ्रू अ करेक्ट सेलेक्टेड पोर्शन. जो पॉपुलेशन है उसका एक सेलेक्टेड पोर्शन ले लें, दैट इज सैंपल. सैंपल से लाभ देखें, बहुत हमें फायदे हैं. हम सैंपल जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो पैथोलॉजिकल लैब में सैंपल लिया जाता है. दिस लाइक दिस टाइप ऑफ यूज इन सैंपल. सैंपल और भी बहुत सारी जगह यूज होते हैं, जैसे किसान अपने गेहूं या इस तरह की चीजें पैदा करता है, तो उसमें क्या है कि जब पैदा किया ये काफी स्टोर होता है, काफी उसमें है. अगर वो मंडी में बेचने जाएगा तो सारे उसको गेहूं को अगर मंडी में लेके जाएगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी. तो उसके लिए क्या करते हैं कि छोटा सा पार्ट, एक सैंपल लेकर के मार्केट में जाएगा, मंडी में उसके रेट्स लेगा, और फिर जब उसके अनुकूल रेट्स मिलेंगे तो मार्केट में जाके सेल करेगा. तो उसमें क्या फायदा है सैंपल से? रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस टाइम, और ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर एक्यूरेसी, एंड स्कोप. ये जो हमने आपको एग्जाम्पल बताई सैंपल के बारे में, ये सारे बेनिफिट्स हैं. रिड्यूस कॉस्ट, कम समय लगेगा, कम खर्च भी कम होगा, कम समय भी लगेगा, बहुत जल्दी कार्य होगा. एक्यूरेसी, ग्रेटर एक्यूरेसी, जब स्टैटिस्टिशियन इसमें अनुभवी स्टैटिस्टिशियन को लगाया जाएगा तो एक्यूरेसी भी आएगी. और इसका स्कोप देखिए, जैसे अभी हमने अपने मेडिकल साइंस के बारे में, पैथोलॉजिकल बारे में बताया, तो उसका स्कोप काफी है. तो इस तरह की ये सैंपल, सैंपल में सबसे पहले हम जब स्टडी और आगे डीपली जाएंगे तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जैसा कि नाम है सिंपल रैंडम सैंपलिंग,
सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? अ सैंपलिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग इफ ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ अ गिवन साइज इक्वल चांसेस बीइंग सेलेक्टेड. तो बीइंग सेलेक्टेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट. With replacement, and simple random sampling without replacement. With or without में क्या है? जैसे 100 स्टूडेंट है, हमें 10 स्टूडेंट्स को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक की स्लिप बना लेंगे, एक कंटेनर में उसमें मिक्स कर देंगे और वन बाय वन ड्रॉप करते जाएंगे. जो एक एक नंबर हमने नंबर लिया उन्हें काउंट कर लेंगे, उसे अगेन उस कंटेनर में नहीं डालेंगे, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. और अगर उस यूनिट को हमने अगेन उसमें कंटेनर में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट. तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. Thank you.